आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। तीन नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में हुंकार भर रही है और इसी का आगाज झारखंड के हजारीबाग के मटवारी से किया जा रहा है और ये पूरे किसान सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन का नेतृत्व पूरे कारभार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के कंधे पर है। इस समय में बादल पत्रलेख जी यहाँ पे मौजूद हैं, मंच का संचालन कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं। इनसे ही सीधे जानते हैं कि क्या किस तरह की तैयारी है आंदोलन को लेकर। तैयारियाँ ऐतिहासिक है, जुटान भी हो रहा है चूँकि दूर से किसान आ रहे हैं और आप जानते हैं कि ठंड का दिन है, देर दोपहर कार्यक्रम शुरू होता है। आप 3 बजे के आसपास इस गांधी मैदान और इस तैयारियों को देखिएगा और फिर आप शब्दों को ढूंढते हुए नजर आएंगे कि कैसे हमारे आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर रामेश्वर उराव सर, आलमगीर आलम सर, आरपीएन सिंह साहब के आह्वान पर किसानों का जुटान हुआ है। मुझे जो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है, नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे उसको मैंने बखूबी यहाँ सभी कस्बों में जाके किसान को जगाने का काम किया, उसे आने के बारे में कहा। आप देख सकते हैं बैलगाड़ियों पर चढ़कर कैसे किसान आ रहे हैं, ट्रैक्टरों पर चढ़कर कैसे किसान आ रहे हैं, पूरा शहर चप्पा चप्पा भरा हुआ है और कार्यक्रम स्थल की ओर रुख वो बना चुके हैं। अभी कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि यह गांधी मैदान पूरे किसानों की आवाज़ से गूंज उठेगा और दिल्ली के मदहोश पड़े बादशाह के नींद को खोलने का काम करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड के कांग्रेस को बहुत उम्मीद है यहाँ प्रदेश कांग्रेस से और खास करके बादल पत्रलेख से कि कृषि मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह का आरोप लग रहे हैं कि जो किसानों को, जो चाहे ऋण माफ़ी का मामला हो या MSP देने का मामला हो या धान खरीद का मामला हो, ये तमाम मुद्दों पर तो बात तो किए, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है यहाँ के किसानों। मिलेगा, अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, मिलना शुरू हो गया। कल उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक भी किसान का नाम बताओ जिसका कर्ज माफ़ी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, आप अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, अभी इतने नाम भेज दूंगा कि एक दिन में आप गिन नहीं पाएंगे। और ये प्रक्रिया की शुरुआत है और इस मंथ के अंत में जिनकी ऋण माफ़ी हुआ है उनका महासम्मेलन रांची में ही करने जा रहे हैं और उनको हम आमंत्रित करेंगे। राज्यसभा के सांसद हैं, क्या आइए देख लीजिए कहाँ पे किसान है, किनको फायदा मिला है और किनको नहीं मिला है। लेकिन धान खरीद में तो चूक हुई है, पिछले साल जब आपकी सरकार थी आपने कितना धान खरीदा था, उससे डबल नहीं खरीदे तब ना बोलिएगा, आंकड़े बताते सब, मुंह की बात आप मत कीजिए। क्या लगता है कि यहाँ के किसानों को फायदा पहुँचेगा? फायदा पहुँचेगा, लेकिन जितना उम्मीद था, देखिए 18 साल उन्होंने शासन किया, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। अब जब मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं छत्तीसगढ़ जाके आया, तो मैंने इस बजट में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का इस दशक में एक रोड मैप खींचा है। आपको उस चीज़ का फलाफल आने वाले सालों में मिलेगा। कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति, MSP, सब चीज़ों पर काम हो रहा है। एक प्लान के तहत खेती किसानी को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जिन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा और ये आगाज 3 नए कृषि कानून के खिलाफ में जो हुंकार यहाँ से भरी गई है गांधी मैदान से मटवाड़ी के, तो ये पूरे गूंज इसकी झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में सुनाई देगी। आप बने रहिए हमारे साथ। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ सिद्धू बॉर्डर पर पिछले 70 दिन से ज्यादा दिनों से किसान बैठे हुए हैं और इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं। इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी देश भर में किसान का सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी किसान सम्मेलन ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि झारखंड के हजारीबाग जिले में ये किसान सम्मेलन ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। इसमें किसानों के समर्थन में ये महाजुटान की जा रही है, ट्रैक्टर से किसान को लाया जा रहा है और ये कार्यकर्ता नगाड़े के साथ में मैदान में पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में अब कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगी।
बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि एक मंच इधर बनाया गया, तीन मंच बनाए गए हैं। इन तीन मंच में से एक मंच पर तमाम जितने भी विधायक और मंत्री और पदाधिकारी हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद जैसे ही किसान लोग आएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद जो वो इसके देख रेख कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश प्रवक्ता भी मौजूद हैं और तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं। राजेश जी, क्या मतलब तैयारी है और कैसे कब तक कार्यक्रम शुरू होने की? आप देखेंगे कुछ ही देर में, आधे घंटे पौने घंटे में आप पूरा ये मैदान खचाखच भर जाएगा। मंच के दाहिनी ओर जितने बड़े भूखंड आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी मैदान है ये, पूरा किसानों का, ट्रैक्टर से किसान खुद अपने वेशभूषा में नजर आएंगे आपको, और लोग आना चालू हो गया। और धीरे धीरे पूरा ऐतिहासिक मैदान, इस हजारीबाग का ये धरती, ये पावन धरती में किसान अपने पैरों को रख कर उस काला कानून का विरोध करेंगे। और मोदी जी से आग्रह करते हैं कि क्यों हठधर्मी आप बने हुए? जब किसान ये बिल लेना नहीं चाहते तो फिर लेना क्यों चाहते, देना क्यों चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं। ये किसान बिल जब तक वापस नहीं कर लेती है केंद्र सरकार, तब तक इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पे प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सादेव जी हैं। सादेव जी, क्या कहेंगे, मतलब ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं? मटवारी के गांधी मैदान से, जो हजारीबाग में है, झारखंड से केंद्र की सरकार को हम लोग स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि देश के 62 करोड़ किसान इस कृषि कानून के खिलाफ है, उनको ये कानून नहीं चाहिए। आज 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दिया है, तो हम ये स्पष्ट संदेश केंद्र की सरकार को देना चाहते हैं यहाँ से कि अविलंब किसानों के हित को देखते हुए ये कानून वापस लिए जाए। और जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर के कानून के लिए आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका साथ देगी। और आने वाले दिनों में हम इस, अगर केंद्र की सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लाखों की संख्या में आज यहाँ किसान जुटने जा रहे हैं, आप इस पल के साक्षी बनेंगे। देख, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक मजबूत संदेश हम केंद्र की सरकार को देंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये गांधी मैदान है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और किसानों का महाजुटान होना है। और दावे प्रदेश प्रवक्ताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पर महाजुटान होगा और यहाँ से हुंकार भरेंगे। यहाँ देखिए कि राजीव रंजन प्रसाद जी हैं और इनसे ही जाते हैं, कितने जो दावे कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों का जुटान होगा इस मैदान में। देखिए, संख्या के लिए हम लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया है। आप देखिए कि पूरे देश में आज किसान आंदोलित हैं, लेकिन जो मन की बात करने वाले लोग हैं वो जन की बात सुन नहीं पा रहे हैं। तो जन की बात उनके कानों तक पहुंचाने के लिए जो आंदोलन है, जिस आंदोलन का उपज खुद को बताने वाले लोगों ने जब देश की सर्वोच्च सदन में आंदोलन का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, ऐसे सभी लोगों की निद्रा तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते इस आंदोलन के जरिए लोगों की आवाज उन तक पहुंचाना चाहती है। जो काले कानून लाए गए हैं किसके लिए, जिनके लिए आप कानून लेकर क्या है, जब वही तैयार नहीं है तो फिर ऐसे हठधर्मी कानून को आप बंद कीजिए। जब आप कानून स्थगित रखना चाहते हैं तो फिर आप कानून रद्द क्यों नहीं कर देते साहब, क्यों थकाओ और भगाओ? 200 लोगों की जाने जा चुकी है, कब तक आखिर हठधर्मिता अपनाए रखेंगे? जैसे कि कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि अगर इस कानून को पारित नहीं करना है, लागू नहीं करना है और स्थगित करके रखना है, तो आखिर क्यों इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता है? लेकिन देखना होगा कि इसी के साथ देख सकते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी की जो महाजुटान है, और कांग्रेस के अंदर ये अपने एक तरह से कहा जाए कि ये किसान आंदोलन के मार्ग पर शक्ति प्रदर्शन का भी एक तरह से ये किया जा रहा है कि ताकि इसमें पार्टियों की जो है शक्ति परीक्षण भी हो जाए, क्योंकि ये अब तक राज्य का सबसे बड़ी ये कार्यक्रम है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अब यहाँ पर बताएंगे ये मैम देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो तीन काले कानून पारित किए हैं,
और उसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और इसी संदर्भ में आज हमारा हजारीबाग में राज्य स्तरीय किसान आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितने विशाल यहाँ पर लोग का हुजूम जल रहा है उनके समर्थन में। और हमारी कांग्रेस पार्टी जब तक उस कानून को वापस नहीं लेती है, रद्द नहीं करती है, तब तक हमारा कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा के भी हैं नेता और ये प्रदेश प्रवक्ता, बताइए क्या आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारी है और लोगों को कार्यकर्ता से ज्यादा किसान कितने के पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, इस कृषि काला कानून का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो विरोध ट्रैक्टर रैली आज रखा गया है, इसमें हर जिले से जो नियर बाय जिला है रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, चतरा, यहाँ से भारी तादाद में ट्रैक्टर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से कांग्रेस जन, किसान जन सब लोग यहाँ रास्ते में हैं। और हमें लगता है कि भारी भरकम भीड़ यहाँ उपस्थित होगा और इस कृषि काला कानून का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है, सड़क से संसद तक खड़ी है। अब मुझे उम्मीद है इसी काला कानून को प्रधानमंत्री जी को वापस लेना ही होगा। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि जब तक ये काला कानून, कृषि कानून वापस नहीं हो जाता, इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि मंच पर संभाल लिए हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और यहाँ से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे आपको इस आंदोलन में शरीक होना है और क्या कुछ करना है। सभी के विभाग बांटे हुए हैं, सभी को प्रभार दिया गया है, तमाम नेताओं को कि क्या जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने के लिए इस तरह के यहां से दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ये बादल पत्रलेख के ही निर्देशन में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबा प्रसाद जो कि बड़कागांव के विधायक हैं, उनको विशेष जिम्मेवारी दी गई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। अब देखना होगा कि ये कार्यक्रम का मैसेज क्या जाता है और देश में क्या कुछ बदलाव लाती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद। होना शुरू हो चुका है, यहीं पर हमारे प्रदेश प्रवक्ता जो हैं आलोक दुबे जी, इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है कि कब तक आंदोलन का ये यहाँ से शुरुआत जो की जा रही है और क्या होगा? आज किसानों का आज किसानों का 27वां दिन है और 180 किसानों की शहादत हो चुकी है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री उन शहीद किसानों के लिए एक सहानुभूति के शब्द नहीं बोलते हैं। पूरे देश का किसान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हमने ये फैसला लिया है कि किसानों के समर्थन में हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं ले लेती है। हम काला इसलिए कहते हैं कि हमारी जब मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जब किसानों के ऊपर पूंजीपति वर्गों का एकाधिपत्य हो जाएगा, तब हमारे किसानों के ऊपर एक कड़ा प्रहार हो रहा है। 180 किसानों की शहादत कोई साधारण घटना नहीं है। पूरे झारखंड के कोने कोने से मटवारी का गांधी मैदान आज भरा पड़ा हुआ है। हजारों ट्रैक्टर जो है वो ले करके यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरी पार्टी, पूरा कांग्रेस पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी हुई है। और इन तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है, ये पूरा खलिहान और किसान आंदोलन करने को तैयार है। बिल्कुल, जैसे कि इनका दावा है कि तमाम किसान और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे और ये पूरे मैदान को भर दिया जाएगा। मैं ये बताना चाहूंगा, आप भी जानते हैं, कृषि कोई व्यवसाय नहीं है, कृषि इस देश की संस्कृति रही है। कृषि इस देश की संस्कृति रही है और इसलिए लोग कहते थे उत्तम खेती मध्यम दाम नीच चाकरी की बना। कोई बीजेपी जो दावा करती है इस देश की संस्कृति को बचाएगी, बचाती है, बचाएगी, वह दूसरा हो कृषि को क्यों खत्म कर रहे हो? कृषि को क्यों खत्म कर रहे हो? दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा मैं, शुरू से
कांग्रेस किसानों के साथ रही है। 1917 से देखिए चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, खेड़ा का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, बाड़ोली का आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में, और देश आजाद हुआ और प्रधानमंत्री बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पद्मश्री योजना शुरू हुआ और पद्मश्री पहली पद्मश्री योजना में प्राथमिकता दी गई खेती को, डैम्स वाले बड़े बड़े सिंचाई की व्यवस्था की गई। शासन संसद के समय में हरित क्रांति शुरू हुआ, इसके बाद किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मिनिमम समर्थन प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट लाया गया, और किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, सोनिया जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने लगभग 72,000 करोड़ के ऋण माफ किए किसान, ये रहा हमारे इतिहास। इतने में कांग्रेस ने किसानों की जमीन बचाने का भी काम किया, 2013 में कानून बना लैंड डिविजन एक्ट, मकसद यही था कि किसी किसी संबंधी जो जमीन थे उसको सरकार नहीं लेगी, उसका अधिकार नहीं होगा, और आज जो बची हुई जमीन हमारी बची हुई है तो कारण नहीं है 2013 का कानून। लेकिन जब बीजेपी शासन में आई तो इस कानून को निपटना था, लेकिन देश के और खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी राहुल जी सोनिया जी ने विरोध किया, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और ये कानून को ये वापस नहीं ले पाया, ये रहा इतिहास कांग्रेस का और कांग्रेस का इतिहास और किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी द्वारा का इतिहास। साथियों इस मीटिंग को बनाने के लिए, इस रैली को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं श्री बादल जी का। श्री बादल जी अहरनिश दिन रात एक करके हफ्ता भर यहाँ के जगह जगह घूमे, क्या करना क्या घूमना क्या रही क्या रामगढ़ क्या भगाना, और इस बात को देख रहे हैं कि रैली किसान रैली इसके लिए क्रेडिट जाता है बादल जी। जयशंकर जी जयशंकर पाठक को भी धन्यवाद दूंगा मैं, उनका योगदान भी कम नहीं रहा श्री बादल जी, और उनके टीम बादल जी की जयशंकर पाठक की टीम है उनको हम खूब सा धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई बातों, समय नहीं है, हमारे प्रभात जी को भी बोलना है, समय बहुत हो गया है, आप सरकार ने से मीटिंग चल रही है तो आप तो हम तो मिलते रहे, आप हम मिले हमारा पुराना संबंध है, हजारीबाग से आता रहूंगा मिलता रहूंगा, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी के हम लोग जो है किसानों का समर्थन करते रहेंगे, आत्मसर करते रहेंगे, और हमारा प्रोग्राम है कि हर डिवीजन में हर कंस्टिट्यूंसी में आप चलेंगे, सभी हम लोग रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, बादल जी रहेंगे, सभी रहेंगे, और हम उसको किसान के पक्ष में आप समर्थन देते रहेंगे जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाए। ज्यादा नहीं होते मैं अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए ट्रैक्टर के ड्राइवर भाइयों को लाने के लिए, ट्रैक्टर लाने के लिए, और यहाँ जितने उपस्थित भाई हैं और चले भी गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के मित्रों सभी को और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज लगभग 3 महीने से किसान सड़कों पर बैठे, एक तरफ हम लोग सुनते हैं कि देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, लेकिन 90 दिन से लगभग जो किसान अपने सड़क पर बैठे हैं, जो हिंदुस्तान के रीढ़ होते हैं, जो जिसे अन्नदाता हम कहलाते हैं, उनकी मन की बात को पूछते हैं कि किस तरह की विसंगति है। एक तरफ किसान खेतों में बाजारों में मरते हैं, दूसरी तरफ शहरी भी मर रहे हैं, लेकिन ये जो है सरकार जो है
बह रहा है कुंडी है जो कुछ बाकी घुसना है। लोकतंत्र में हमें आजादी दिया है किसी भी लोगों को जो अपनी बातों को रखने अपने विचारों को रखने के लिए अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए कि हमारा जो है धरना प्रदर्शन और बात को करना चाहिए। किसान लगातार 3 महीना से 3 काला कानून जो भारत सरकार में लाया है उससे किसान समझता है कि किसानों का हित नहीं होगा। ये 3 कानून जहां किसान अन्नदाता है जिनकी जमीन है वो सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में जो कंट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो हम जमीन का मालिक नहीं होगा सिर्फ हम मजदूर फर्म कर रह जाएंगे, इसीलिए इस कानून को आपस लेना चाहिए। 1952 साल में ऑर्डिनेंस आया था चाहे धान हो चावल हो गेहूं हो दलहन हो तेल हो सारा चीजों का एक सीमा रहता है कि हम अपने मालों को जो है कितना दिन तक अपना गोदाम में रख सकते हैं। लेकिन आज जो नियम बनाया गया है जो मंडी को हटाकर प्राइवेटाइजेशन की ओर प्राइवेट मंडी के बारे में कह रहे हैं तो इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है उस एक्ट में जो आपका अनाज तो 100 दिन रखेंगे या 500 दिन रखेंगे या 2 साल रखेंगे ऐसी कोई बात नहीं होता। इसे आशंका होता है यहाँ के तमाम हिंदुस्तानियों की आशंका होता है कि जो माल निरंतर हमें मिलता था अगर वैसा नियम नहीं रहेगा ये माल गोदाम में होल्ड हो जाएगा और इसका दाम बढ़ा कर जो है बड़े बड़े घर के उद्योगपति कॉर्पोरेट घराने के लोग उसे बेचने का काम करेगा महंगाई बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए किसान इसका कहीं भी एक्ट में एमएसपी का जिक्र नहीं है कहा एमएसपी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते हैं कि एमएसपी था है और आगे भी है तो जब है अब कहते हैं तो क्यों नहीं इस बार का जो 3 काला कानून लाए उसमें क्यों निकाला गया। ये सारी समस्या जो है बिहार के किसानों के लिए है और किसानों के पक्ष में अब हमारा समर्थन है कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद और अब तक हमने किसानों को समर्थन दिया है और आगे भी हम लोग किसानों को समर्थन देते हैं। दोस्तों बात यहाँ हिंदुस्तान का नक्शा को उठाकर हम देखते हैं तो महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जिस डीजल और पेट्रोल की हम बात करते हैं वो आज हमारे हाथ से बाहर चला गया है। आज यहाँ पर जो मध्यवर्ग के लोग जो है अपने कामों के लिए बाहर जाते हैं अपने मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए यूज करते हैं आज वो साइकिल गुजारने के लिए मजबूर हो गया। इस सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार जो किसानों पर जो अत्याचार साधारण को नोटिस का आधार पर जो अत्याचार कर रही है इसलिए चंदा थी आज आपने यहाँ पर दर्शन प्रदर्शन आज हमको मुझे लगता है कि पूरा कृषि खाली है और ज्यादा बदला हमें नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि किसान रेल में आकर यहाँ के लोगों के जो दशा और दिशा हम लोगों ने देखा है हम उसके समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका समर्थन दे रहा है। अतीत का इतिहास को अगर देखिए किसानों के समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मदद करने की काम किया है चाहे मनमोहन की सोनिया गांधी के नेतृत्व के समय में मनमोहन की सरकार में 272,00,000 करोड़ रुपया किसानों का जो कर्जा माफ करने का काम किया था हम लोग भी इस बार झारखंड में हम यही कहना चाहेंगे कि हम किसानों के साथ है उनके समर्थन में हम सदैव खड़ा रहेंगे और इस तरह का रैली पूरे झारखंड के अलग अलग प्रमंडल में कराना हम चाहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ क्या एक अंत में तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन बधाई।